दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी मन्नू में। दोस्तों एक जबरदस्त एक्टर, झकझोर देने वाले डायलॉग्स लिखने वाले राइटर और एक नेक दिल इंसान कादर खान साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने अपने लगभग 44 इयर्स लंबे करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, 200 फिल्मों को लिखा है जिनमें से कई फिल्में हिट हुई हैं, बॉलीवुड के हर बड़े एक्टर के साथ में काम किया है। साल 2017 से अपने घुटनों के इलाज के लिए कनाडा में थे और कुछ दिन पहले ही उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, वो कोमा में चले गए थे और 1 तारीख को वो हम सबको छोड़कर चले गए और उनकी मौत की खबर की पुष्टि उनके बेटे सरफराज ने की है। दोस्तों नजर डालते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातों पर। तो दोस्तों कादर खान का बचपन बहुत परेशानी में गुजरा। उनका जन्म अफगानिस्तान के काबुल में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। गरीबी के कारण उनसे पहले पैदा हुए उनके 3 बड़े भाई एक एक करके बचपन में ही गुजर गए। खैर 3 बच्चे खोने के बाद माँ का दिल घबरा गया तो बेटे को लेकर उनके माँ बाप मुंबई आ गए। अब दोस्तों मिडिल क्लास या अमीर लोग तो तुरंत कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं, गरीबों का तो कोई ठिकाना होता नहीं, इसलिए उन्हें रहना पड़ा धारावी से भी बदतर झोपड़पट्टी वाले इलाके में। यहाँ शराब जुए खाने तो थे ही, इसके साथ साथ यहाँ पर क्राइम भी बहुत ज्यादा होता था और इन सब वजह से नेक दिल कादर खान काफी परेशान रहते थे। इसी समय उनके माँ बाप में भी झगड़ा होने लगा और फिर उनका तलाक हो गया। कादर खान के नाना और मामा ने उनकी माँ की दूसरी शादी करा दी और कादर खान का सौतेला बाप उन पर बहुत अत्याचार करने लगा। वो उन्हें अपने पहले बाप से जबरन पैसे मांगने भेजता था जिसके लिए कादर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर जाते थे। दोस्तों कादर खान ने क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक एक लंबा समय वहीं बिताया। माँ चाहती थी कि बेटा खूब पढ़े और कादर खान का मन पढ़ने में भी लगता था, लेकिन माँ की हालत पर तरस आता था, इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को मैं पढ़ाई में लगा रहा हूँ। दोस्तों एक बार एक इंटरव्यू में कादर खान ने बताया था कि कैसे वो और उनकी माँ 1 रुपए की दाल आटा और घासलेट में गुजारा करते थे और पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खाना खाकर काम चलाते थे, बाकी दिन भूखे पेट ही पड़े रहते थे। कादर खान ने बताया, इसी के चलते एक दिन निकल पड़ा मैं पैसों की जुगाड़ करने, छोटा मोटा काम ढूंढने, लेकिन कंधे पर एक हाथ का एहसास हुआ, वो हाथ माँ का था। माँ बोली, मुझे पता है कि तू रुपए कमाने जा रहा है, लेकिन तेरे 2 या 3 रुपयों से हमारी गरीबी कम नहीं होने वाली, गरीबी कम करने का एकमात्र उपाय है तेरी पढ़ाई। बस दोस्तों इस एक बात का कादर खान के मन में गहरा प्रभाव पड़ा, उसने सारी मुश्किलों के बावजूद भी पढ़ना जारी रखा और एक दिन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। एक्टिंग का उन्हें शौक था जिसकी प्रैक्टिस वो घर के पास बने एक कब्रिस्तान में करते थे और वहीं उन्होंने अपनी एक्टिंग को निखारा भी। दोस्तों कादर खान की माँ की मौत 1 अप्रैल को हुई और जब कादर खान ने लोगों को अपनी माँ के देहांत की जानकारी दी तो लोगों ने पहले से अप्रैल फूल समझा। और दोस्तों माँ की मौत भी बहुत दर्दनाक थी। जब कादर खान स्टेट प्ले कॉम्पिटिशन से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि माँ खून की उल्टियाँ कर रही है। माँ की हालत देखकर डॉक्टर को बुलाने गए तो उसने भी आने से मना कर दिया। इसके बाद में कादर खान फिल्मी अंदाज में डॉक्टर को जबरन उठाकर घर ले आए और कहा कि अब देख मेरी माँ को, हालांकि तब तक उनकी माँ गुजर चुकी थी। इस बात का दुख कादर खान को पूरी जिंदगी रहा। खैर दोस्तों 70 और 80 के दौर में इंडस्ट्री में 2 सबसे बड़े लीजेंड डायरेक्टर थे, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा, और इन दोनों लीजेंड्स के बीच में कॉम्पिटिशन भी तगड़ा चलता था। दोनों की अपनी अपनी टीम हुआ करती थी, प्रोड्यूसर अलग, म्यूजिक डायरेक्टर अलग, स्पॉट बॉय अलग, लेकिन दोस्तों जो चीजें बेस्ट होती हैं उन्हें सब अपनी अपनी टीम में रखना चाहते हैं और मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की टीम में 2 चीजें कॉमन थी, अमिताभ बच्चन और दूसरे थे कादर खान। इसीलिए दोस्तों यही दोनों थे जिन्होंने उन दोनों डायरेक्टर्स के साथ में काम किया था। गंगा जमुना सरस्वती, कुली, अमर अकबर, एंथनी जहां मनमोहन देसाई की फिल्में थी, वहीं शराबी, लावारिस और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में उनके कॉम्पिटिटर प्रकाश मेहरा की थी और इन सबके डायलॉग लिखे थे अपने कादर खान साहब ने। यहाँ तक कि दोस्तों मनमोहन देसाई ने अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी कई बार कादर खान साहब को दिया। दोस्तों राजेश खन्ना की फिल्म दाग से एक्टिंग शुरू करने वाले कादर खान ने गोविंदा के साथ भी काफी सुपरहिट फिल्में दी हैं। कादर खान और शक्ति कपूर का कॉम्बो भी काफी इंटरेस्टिंग और लंबा चला है। दोस्तों कादर खान साहब को पहला ब्रेक मिला मनमोहन देसाई से, उस वक्त वो रोटी फिल्म बना रहे थे लेकिन डायलॉग लिखने वाला कोई मिल नहीं रहा था, तब कादर खान को उनकी फिल्म के डायलॉग लिखने का मौका मिला। और दोस्तों इसके बाद तो कादर खान ऐसे छाए कि मेरी आवाज सुनो और अंगार फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड और बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड झटक ले गए। इसके अलावा 9 बार फिल्मफेयर अवार्ड की बेस्ट कॉमेडियन वाली कैटेगरी के नॉमिनेशन तक भी पहुंचे। दोस्तों सन 2013 में हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें साहित्य शिरोमणि अवार्ड से भी नवाजा गया। खैर कादर खान साहब का संघर्ष, उनका जीवन सबके लिए एक मिसाल है। बहुत दुख की बात है कि उनकी जैसी शख्सियत अब हमारे बीच नहीं रही। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहां भी हो सुकून से रहें। बहुत बहुत श्रद्धांजलि।